अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की खबरों की ओर। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक की महिलाओं ने नाबालिग रेप पीड़िता व उसके नवजात शिशु को जिला अस्पताल में समुचित इलाज न मिलने के विरोध में किया है जमकर प्रदर्शन। आइए डालते हैं जवानुद्दीन की इस खबर पर नजर, फतेहपुर जिले की इस रिपोर्ट पर। तो इस तरह के गद्दार डॉक्टरों का होना यहाँ पे कलंक है। ये अस्पताल तो बना हुआ लेकिन कलंक है डॉक्टर यहाँ के। एक महिला की बात नहीं सुनी जाती, गरीब आदमी की बात नहीं सुनी जाती। ये बड़े बड़े हमारे फतेहपुर जिले में सदर अस्पताल में आज हम लोग खड़े हैं, मजबूर होके हम लोग आए हैं। ललौली थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, उसमें एक 14 साल की बच्ची को एक लड़का पैदा हुआ है। उस लड़के को बच्चे को लेकर के ललौली थाने की पुलिस और यशो साहब भी मौजूद थे। पूरा दिन काल यहाँ पे बैठे रहे, ना तो लड़की को मेडिकल हुआ ना उसको एडमिट किया गया है। और जच्चा और बच्चा दोनों की हालत गंभीर है। ये अस्पताल, यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी चरमराई हुई है, यहाँ की व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है, यहाँ अल्ट्रासाउंड का और जो भी सरकारी जांचें होती हैं उसमें पैसा लिया जाता है, धांधली की जाती है, पर्चा बाहर के लिए लिखा जाता है। यहाँ पे दवाएं उपलब्ध नहीं है, यहाँ पे दवाएं उपलब्ध होनी चाहिए और मरीजों को यहाँ पे अच्छा इलाज होना चाहिए और सीटी स्कैन और जिसमें कोई रिश्वतखोरी नहीं होना चाहिए। वो जो बच्ची है वो रेप पीड़िता रही है क्या? रेप पीड़िता अभी आ रही है, उसका कल मेडिकल नहीं हुआ ना उसको एडमिट किया गया। यहाँ से जब एसओ साहब वापस होके उसको भरंग लौटाल दिया गया, वो लेकर के गए तो बहुआ में प्राइवेट अस्पताल में उसका इलाज रात भर होता। क्या मांग है आप लोगों? हम लोगों की मांग है कि उसका मेडिकल हो और उसको एडमिट किया जाए। अगर उसकी उसकी जच्चा और बच्चा में किसी को भी खतरा होता है उसका जिम्मेदार कौन होगा? पुलिस तो जिम्मेदार नहीं होगी, क्योंकि पुलिस तो खुद परेशान है। जब इतने बड़े पुलिस वालों का और यशो साहब को यहाँ से बारंग लौटाल दिया जाता है तो यहाँ की जनता के लिए क्या हाल होता होगा आप लोग सोच सकते हैं। यहाँ कितना यहाँ परेशान होते हैं। प्रदर्शन हमारा चल रहा है, जब वो बच्ची आ जाएगी उसको हम एडमिट कर देंगे और उसका मेडिकल करवा देंगे, तभी हम यहाँ से जाएंगे। अपना ज्ञापन हम किसी के माध्यम से, कोई भी अधिकारी आए उनके माध्यम से हम डीएम साहब को दे रहे हैं। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।